Good morning. I want you guys to look at Big Bird. She looks ridiculous and adorable at the same time in her night suit. Anyways, I just woke up. I need to start packing because I might be leaving soon. I just got my Glam Girl order in the mail. I recently placed an order for 4 things at the Glam Girl website. I'll show you guys in a second, but first I need to freshen up and change her out of her Big Bird dress as well. ले जनाब, मुँह हाथ धुल गया है, बेबी भी तैयार हो गई है, मेरे भी कपड़े बदल गए हैं, पैकिंग भी शुरू हो गई है। अब मैं आपको जल्दी से चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने ख़रीदी हैं ग्लैम गर्ल्स की, और मेकअप करना ही है आज तो उनसे ही कर लेते हैं। कमरा मेरा बहुत ही गंदा है, एक दफ़ा अब पैकिंग हो जाएगी फिर ही साफ़ करूँगी। बट एनी वेज, 4 चीज़ें ली हैं मैंने ग्लैम गर्ल्स की, 4 चीज़ें मंगाई हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो उनकी ये जो रियल सीरम फाउंडेशन है, इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी उससे मैं बहुत इंट्रीग हुई। आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट। लिखा हुआ है कि जी ये स्किन केयर और मेकअप दोनों है और बहुत लाइट कवरेज सी फाउंडेशन है, एंड इट्स सपोज टू बी अ लिटिल ग्लोई, विच लाइक आई एम इन टू दीज डेज, आई एम इन टू द ग्लोई ग्लास स्किन काइंड ऑफ मेकअप। उसी वजह से मैंने ये कंसीलर भी लिया, क्योंकि मेरे पास जितने कंसीलर्स हैं उनकी मैट फिनिश है, फुल कवरेज है। इसके बारे में लिखा हुआ था इट्स अ लाइट वेट कंसीलर, बहुत फुल कवरेज नहीं है, इट गिव्स मीडियम कवरेज, सो डे टू डे के लिए आई थिंक अच्छा रहेगा। सो एक मैंने वो ख़रीदा है। दूसरा मैंने 2 कलर्स में ये पॉट फाउंडेशन खरीदी। मेरी भाभी बहुत तारीफ़ करती है इसकी, शी यूजेज़ देम। एक दफ़ा उससे लेके मैंने भी ट्राई की हुई है। सो एक तो मैंने अपना शेड मंगाया है नेचुरल आइवरी, खोल के दिखाती हूँ। फिलहाल पॉट में तो मुझे बहुत चिट्टा लग रहा है, हालांकि यही शेड है भाभी का भी और मैंने लगा के ट्राई किया हुआ है एंड इट वॉज़ फाइन ऑन मी, लेकिन पॉट पर मुझे लग रहा है कि बहुत लाइट है। और एक मैंने इनका डार्क शेड लिया है विच इज़ इन द शेड कैरमल। तो मेरा हमेशा से दिल है शनैल का जो क्रीम ब्रॉन्जर नहीं आता पॉट में, वो लेने का। वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट रिव्यूज से ऐसा ही लगता है, लेकिन वो बहुत महंगा है तो कभी भी नहीं लिया। बट उस तरह की कोई चीज़ लेने का दिल है, सो आई वाज लाइक मे बी दिस विल बी अ गुड डूप फॉर इट, क्योंकि शेड अच्छा लग रहा था। दोनों का शेड आपको खोल के दिखाती हूँ। बट या, ये 4 चीज़ें लिया आज और इनमें से ये दोनों तो आज ज़रूर ट्राई करेंगे मेकअप करते हुए। सो एनी वेज, इनका शेड दिखाते हैं आपको और फिर तैयार होने चलते हैं। नहीं जनाब, बाथरूम के अलावा कोई जगह नहीं समझ आ रही जहाँ सामने शीशा हो, आराम से मेकअप भी हो जाए जल्दी जल्दी और वीडियो भी फिल्म हो जाए। सो आई एम सॉरी, लेकिन आप लोगों को मेरे बाथरूम में ही मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा फिलहाल। बट सबसे पहले आप लोगों को शेड्स दिखा देते हैं जो फाउंडेशंस, पॉट फाउंडेशंस भी हैं उनके। ये वाला मैंने अपने लिए लिया है, इट्स इन द शेड नेचुरल आइवरी। और एक तो ये बहुत ज़्यादा पीला लग रहा है, आई डोंट रिमेंबर इट बीइंग दिस पीला। बहुत ज़्यादा इसमें येलो टोन्स लग रहे हैं। दूसरा, इट लुक्स अ लिटिल टू लाइट फॉर मी, आई मीन Maybe it's not, but I don't know. पॉट में मुझे लग रहा है, असल में मेरे हाथ जो है ना वो मेरे चेहरे से कोई 2-3 शेड्स डार्कर हैं। कोई भी चीज़ जो मैं अपने हाथ पे स्वॉच करती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे बहुत ज़्यादा चिट्टी ले ली है मैंने। अच्छा, दूसरा ये है इन द शेड कैरमल। ये देखें, दिस वन इज रियली डार्क एंड मुझे देख के इसका अंडरटोन वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसे लगा था जैसे शनैल के ब्रांड में। उसकी पिक्चर लगा दूंगी यहाँ साइड पर कहीं, शनैल के ब्रॉन्जर का ख्याल आया था इसको देख के बहुत ज़्यादा। तो आई बॉट दिस फॉर लाइक ब्रॉन्जिंग, क्रीम ब्रॉन्जिंग। बट अभी मैं एक्साइटेड हूँ दूसरे 2 प्रोडक्ट्स के लिए, यू नो द सीरम फाउंडेशन। इसको जब मैंने हाथ पे स्वॉच किया तो इट फील्स लाइक नथिंग, ऐसे लग रहा है कुछ लगाया ही नहीं है। दैट्स हाउ लाइट वेट इट फील्स। आई हैव रियली हाई होप्स फॉर इट। और फिर ये कंसीलर जो है, आई होप बोथ ऑफ देम मैंने गलत शेड ना खरीदा हो। बट एनीवेज, ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लेते हैं और बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं और फिर मेकअप करते हैं। Thank you.
ओके सो फर्स्ट इम्प्रेशन वाइज आई लव द फाउंडेशन. एक तो शेड मैच इज लाइक परफेक्ट. आई एम इन द शेड नेचुरल आइवरी. इसमें भी नेचुरल आइवरी है और ये इट लुक्स ओह माय गॉड आई एम सो इम्प्रेस्ड. एक तो इट फील्स लाइक नथिंग ऑन द स्किन. दूसरा इट लुक्स लाइक नथिंग ऑन द स्किन. स्किन को इवन टोन कर दिया है इसने बट एट द सेम टाइम इट डजंट फील लाइक मेकअप. दूसरा जब मैंने कंसीलर लगाया अपने अंडर आइज पे तो आई वाज लाइक ये भी बहुत ज़्यादा येलो है बट बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी ब्राइटनिंग. आई फील लाइक मेरे अंडर आइज बड़े अच्छे से ब्राइटन हो गए. आई थिंक आई लव बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. बट चले लेट्स क्विकली फिनिश द मेकअप. बाकी का मेकअप इज प्रीटी मच गोइंग टू बी द सेम जो मेरी आज की वीडियो में अ क्विक 5 मिनट मेकअप. आई एम लिटरली जस्ट गोइंग टू पुट दिस पाउडर ऑन देन अ ब्लश. आज ब्रॉन्जर लगा लूँगी क्योंकि आज मैंने फाउंडेशन लगाई है सारे चेहरे पे. सो नेचुरल कॉन्टोर्स वापस लाने के लिए आई नीड टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ ब्रॉन्जर. बट उसके अलावा इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम स्टेप्स एग्जैक्टली द सेम. सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो आई लिंक इट अप हियर. जाके देखें. इट्स अ नाइस 5 मिनट मेकअप आउट द डोर. नथिंग फैंसी उस किस्म का मेकअप. सो गो चेक दैट वीडियो आउट एंड मीनवाइल आई क्विकली फिनिश दिस मेकअप लुक. एक मिनट ब्रॉन्जर में वाई नॉट. वैसे मैं पाउडर लगा चुकी हूँ लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाया. सो लेट्स टेस्ट आउट दिस. नॉट बैड. वाओ आज का मेकअप हॉल या एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशंस आर वेरी सक्सेसफुल. अब ये ऑब्वियसली स्किन को सूट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स. कोई ब्रेकआउट्स तो नहीं हो रहे वगैरह वगैरह. दूसरा ये सीरम फाउंडेशन के स्किन केयर बेनिफिट्स ऑल ऑफ दैट वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा. बट फर्स्ट इम्प्रेशन वाइज आई एम हैप्पी गर्ल टुडे. सारी चीज़ें बड़े मज़े की हैं एंड इवन दिस ब्रॉन्जर वाओ आई लाइक इट. आई रियली लाइक इट. ग्लैम गर्ल्स A++ सो फार. लेट्स कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द मेकअप. देर हो रही है. नहीं जी हेयर इज़ माई स्किन अप क्लोज एंड पर्सनल. आई लव द फाउंडेशन. आई लव द लाइक कंसीलर. द ब्रॉन्जर इज़ द परफेक्ट ब्रॉन्जर शेड एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी विद एवरी थिंग. हर चीज़ जो ट्राई किया दैट वॉज सो ब्यूटिफुल. एंड कल वीडियो एडिट करते हुए भी आई वॉज लाइक लुक एट दैट हाईलाइटर मैन. इजंट इट दिस द बेस्ट हाईलाइटर एवर. लाइक आई डोंट नो वाई मोर पीपल डोंट टॉक अबाउट इट. इट्स द बेस्ट फ्रिकिंग हाईलाइटर एवर. पर या अब करते बाकी की पैकिंग. वैसे काफ़ी हो चुकी है. कमरा भी मैंने साथ साथ काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है और करवा लिया है. और या अब जो यहाँ गन मचाया है मेकअप का उसको समेटते हैं. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ईदर माई लास्ट और सेकेंड लास्ट चेक इन फॉर द व्लॉग बिकॉज इसके बाद तो अब हम इंशाल्लाह घर ही जाएंगे. बट दाल का सूप पी के जाएंगे. अम्मा ने दाल का सूप बनाया है. सो या आई चेक इन विद यू गाइस इन अ लिटिल बिट होपफुली एंड फॉर द लास्ट टाइम. जी जनाब सारी पैकिंग हो गई. सारे बैग्स गाड़ी में चले गए. स्लाइड भी डिसअसेंबल होके गाड़ी में चली गई. सो बस अब मुझे जाके गाड़ी में बैठना है. और बस मैं रह गई हूँ. ईशाल रह गई है. मेरा हैंड बैग रह गया है और दाल के सूप का डब्बा रह गया क्योंकि ईशाल को दाल का सूप अच्छा लगा था. तो अम्मा ने कहा तो ऐसा साथ ले जाओ. कितने मज़े हैं यार अपनी अम्मा अबा के घर के. बट एनीवेज चलते हैं. उन सबको अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग को अल्लाह हाफिज़ कह दूँ. आई होप यू गाइज हैड फन कमिंग टू माई मेकअप विद मी. आई होप द व्लॉग वॉजन्ट टू बोरिंग क्योंकि आई डेंट वॉन्ट टू इंक्लूड एनी वन एल्स. नॉट दैट आई डेंट वॉन्ट टू इंक्लूड. आई जस्ट डेंट वॉन्ट
to like ask for their permissions or main aapki video laga dun, all of that. I just didn't want to go through that because I'm like, I have serious issues with saying no and like getting a no. So isliye jin cheez ki mujhe hota hai ki shayad maybe I won't get permission, main aisi cheezon ki ijazat nahi mangti hoti. So yeah, I hope you guys had fun. I had fun. I definitely had fun trying to vlog, and I hope it wasn't too disappointing for you guys. But anyways, aaj ki video ke liye itna hi. Inshallah next video mein milte hain. Allah Hafiz.